स्टोरी के स्टार्टिंग में हम शैनविन को देखते हैं जो वो वैलिन से कहते हैं कि वैलिन बहुत दिन हो गया मैंने तुम्हें देखा नहीं, तुम्हारा जो टेस्ट है अभी भी कुछ बदला नहीं है, जैसे पहले था वैसे ही है। तो वैलिन कहते हैं क्या तुम्हें पता नहीं है मेरा जो काम है ये स्टेट तक पूरा फैल रखा है, ठीक है, और तुम कैसे कह सकते हो कि ये जो चीज़ें हैं तुम्हें पसंद नहीं आई। मैंने ये जो तुम मुझे ना ज़्यादा वो चैलेंज मत किया करो, ये सारी जो प्रिपरेशन ना वो मैंने खुद अपनी तरीके से खुद करवाई है, और ये सब छोड़ो, ये देखो मेरा न्यू पर्सनल सेक्रेटरी रॉयल इंस्टीट्यूट और ये स्टेट का सबसे बेस्ट प्लेयर है। और वैसे तुम्हारा सिक्योरिटी का है, तुम तो ऐसे सिक्योरिटी को अफोर्ड भी नहीं कर पाए होंगे, तुम अपने सिक्योरिटी को अपने साथ लेकर आए हो कि नहीं लेकर आए हो। शाइनविंग और उनकी सिस्टर दोनों उसको देख रहे होते हैं, और उनकी सिस्टर जो है वो मन में सोचती है ये आदमी कितना ज़्यादा बदतमीज है, मन कह रहा है इसके मुँह पर एक पंच मारो। तभी जो है शाइनविंग कहता है कि हाँ मेरे सिक्योरिटी आया वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। तो और उनकी सिस्टर जो है शाइनविंग को देखती है और वो उसे चुप कराने की कोशिश करती है, और अपने मन में सोचती है कि क्या शाइनविंग दोबारा से फाइट करना चाहता है, ये करना क्या चाहता है। तभी जो वहाँ पर और भी लोग आए होते हैं उस बैंकेट में, वहाँ आपस में बात कर रहे होते हैं कि वाओ शाइनविंग कितना ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है, हाँ, और उसने देखो हाथ कैसे उसका पकड़ा हुआ है, ये दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं, ये जो लिन रुई है ये पहले मेयर ऑफ सन के बेटे के साथ ही अब शैंगमिंग के साथ है, हाँ। तो यही सब जो है रुइन सुन रहा होता है, शैंगमिंग और अपनी सिस्टर को देखता है, और फिर मन में सोचता है कहीं मैं मेरे को शैंगमिंग पसंद तो नहीं है, ये सोचता है नहीं नहीं मैं क्या ये फालतू की चीज़ अपने माइंड में सोच रहा हूँ। तो वो रुइन की सिस्टर जो है वो दूर से रुइन को देख रही होती है और कहती है कि मुझे जो है रुई को सारी सच जो है बता देना चाहिए, हाँ। तभी जो है वैलिन के पास एक पर्सन आता है और कहता है कि सर बहुत सीरियस जो सामने लड़का दिख रहा है आपको खड़ा हुआ, यही जो है शैंगमिंग का सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी असिस्टेंट है। तो वो कहता है ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, और वो जो है और उनको देख के स्माइल करता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। तो वो कहता है यस। उसके बाद जो है जो रुइन खड़ा होता है, तभी उसका जो असिस्टेंट सेक्रेटरी होता है वो रुइन के पास धीरे धीरे जाता है और रुइन को जो है वो धक्का दे देता है, और सामने जो वही सामने टेबल पे जो है वाइन्स रखी होती है और कुछ खाने की चीज़ें पड़ी होती है, जिस पे जो है रुइन उसी सभी चीज़ों पे गिर जाता है, जिसकी वजह वो टेबल भी टूट जाता है और जो सारी वाइन है वो रुइन की सिस्टर के कपड़ों के ऊपर गिर जाती है क्योंकि वो वहीं खड़ी होती है। तो वहीं पर वैलिन और उसकी गर्लफ्रेंड और बाकी सारे लोग ये सारी चीज़ें देख के जो है हंसने लग जाते हैं कि कैसे ही अपने आप को संभाल ले सकता मैन। तभी वैलिन जो है वो कहता है कि कितना ज़्यादा एम्बेरेसिंग वाला मोमेंट है, इतनी बड़ी पार्टी में इनके जो ड्रेस है इन पर वाइन गिर गया। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है हाँ ये जो बात है कल मैगजीन पे छठे पेज पे छपेगी कि इतने बड़े बैंकेट में पार्टी में इसकी ड्रेस जो है ख़राब होगी। तभी शैंगमिंग कहता है कि चलो तुम्हारी जो ड्रेस है वो ख़राब हो गई, पहले तुम चलो चेंज कर लो, ठीक है, फिर कपड़ों को जो है सुखा लेना। तो जो उसकी सिस्टर है वो कहती है कि पर तो वो कहता तो शैंगमिंग कहता है कि अभी तुम चलो मैं बाद में इन सब चीज़ों को देख लूँगा। तो वो कहती है चलो ठीक है मुझे भी चलना है, ये जो कपड़े बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, मैं ऐसे ख़राब कपड़ों में और ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। तो शैंगमिंग कहता है ठीक है। तो शैंगमिंग जो है रुइन की सिस्टर को लेके जाता है, तो रुइन की सिस्टर जो है मन में सोचती है कि जो रुइन है वो ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं उसको समझती हूँ कि वो मतलब अपने आप को इतना कंट्रोल नहीं कर पाएगा, पर वैसे इस तरीके से गिर भी नहीं सकता, पक्का उसको किसी ने धक्का दिया। तो जो शैंगमिंग है वो रुइन की सिस्टर को लेके जा रहा होता है, तो रुइन जो है उनको जाते हुए ऐसे पीछे से देखता है। तभी जो वैलिन है वो कहता है वाओ मेरा सिक्योरिटी कितना ज़्यादा अच्छा है, उसने हम लोगों को गंदा होने से बचा लिया, हमें कुछ भी नहीं होने दिया, गुड जॉब। तभी जो है उसका सिक्योरिटी कहता है कि बॉस आपने जो रेड वाइन है ये बहुत ही स्पेशल पर्सन और स्पेशल ओकेशन के लिए मंगाया था, अब ये तो गिर के ख़त्म हो गया, तो अब क्या करना है। तभी जो है वैलिन जो है और गुस्से में बोलता है कि किसने ये काम किया, किसने ये वाइन गिराया था। तभी जो है रुइन जो है वो उनसे सॉरी बोलता है। तो वैलिन जो है वो रुइन को देख
तो रोहिन जो है वो मन में सोचता है कि मैंने जो है आज मैंने सारी चीज़ें गड़बड़ कर दी। और वैलेंस जब उसको देखता है तो कहते हैं क्या ये ट्विंस बदा, ये तो लेंड्री का भाई सिस्टर है, ये दोनों ट्विंस यहीं पर है। और वो सारे लोग बातें करने लग जाते, ये शेंगबिंग का सेक्रेटरी है रुई लिन से। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस बैंकेट पे लैंड कर अपने भाई को ऐसे सिक्योरिटी बना देगी। दोनों ये भाई बहन जो है वो शेंगबिंग के साथ है ना, तो ये सब जो बातें जो है रुई सुन रहा होता है और सोचता है कि मैंने सब चीज़ ख़राब कर दी, अपनी सिस्टर के प्लान को भी ख़राब कर दिया, अपनी सिस्टर की ड्रेस को भी ख़राब कर दिया। तभी जो है रुई की तरफ एक हाथ बढ़ता है, वो शेंगबिंग होता है। और शेंगबिंग जो है वो रुइन को खड़ा करता है और कहता है कि अगर तुम ठीक हो चलो मैं तुम्हारे हाथ पे जो है बैंडेज कर देता हूँ। तभी जो जो रुइन है वो कहता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट मैं ठीक हूँ है। और अपने मन में सोचता है कि प्लीज़ मिस्टर प्रेसिडेंट आप ऐसे गिल्टी आंखों से प्लीज़ मुझे मत देखिए। रुइन जो है वो मिस्टर प्रेसिडेंट को देख के सोचता है कि इसमें सारी मेरी गलती है, पर मिस्टर प्रेसिडेंट मुझसे कुछ बोल के नहीं रहे, वो बोल के नहीं रहे कि ये सब मैंने ख़राब कर दिया। और वो खुद ही जो है बोलता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट मुझे माफ़ कर दो, हाँ इसमें सारी मेरी गलती है। तो जो शेंगबिंग कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती उन लोगों की है। जो रुइन जो है फिर शेंगबिंग को देखता है तो जो वैलिन है वो कहता है ओ रुइन तुम बड़ी जल्दी आ गए, तुम तो कहते हैं तुम्हारा सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन देखो तुम्हारे सिक्योरिटी ने क्या किया है। सिक्योरिटी का काम होता है अपने बॉस को सेव करना, उसको इन सब चीज़ों से बचाना, पर इसने तो कुछ भी नहीं किया। मेरा सिक्योरिटी तो रॉयल इंस्टीट्यूट में से आया हुआ है, इतना बेस्ट है, तुम्हारा कहाँ का है, तुम्हारा जो सिक्योरिटी कहाँ से तुम लेकर आए हो। तो शेंगबिंग कहता है कि तुम चुप रहो, अगर फिर अगर मैं सच बोलने पे आ गया फिर तुम्हारा क्या होगा। तो जो वैलिन है वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे तुम मुझे चुप करा रहे हो, ये जो पार्टी है मैंने ऑर्गेनाइज़ किया और ये सारी चीज़ें मैं ही देख रहा हूँ, इसने जो हमारी जो वाइन जो ख़राब कर दी है उसका क्या, वाइन मैं स्पेशल गेस्ट के लिए लेकर आया था, इसको तो वो भी नहीं आता। तभी जो है वहाँ पे जो लोग खड़े होते हैं वो कहते हैं कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि शेंगबिन ने सिक्योरिटी को क्यों रख रखा है, ये इसकी फैमिली के लिए अच्छा नहीं है। हाँ इसने तो अपनी सिस्टर के ऊपर ही सारा वाइन गिरा दिया, इसने अपने सिस्टर को प्रोटेक्ट नहीं किया और सारे लोग इसकी सिस्टर की फ़ोटो खींच रहे थे उसमें भी इसने अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट नहीं किया। और ये सारी चीज़ें कल पेज नंबर 6 पे मैगजीन पे छपेगी। तो ये सारी बातें जो है रोहिन सुन रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि काश मैं अगर यहाँ पे आया नहीं होता तो ये, और मैंने जो है सिस्टर और प्रेसिडेंट को एम्बेरस करवा दिया। और ये सारी जो चीज़ें हो रही है वो एक वाइन की वजह से हो रही है और मैं इतना ज़्यादा इस वजह से घबरा गया। तो तभी जो है शेंगबिंग क्या है वो कहता है कि तुम परेशान मत हो ठीक है। तो शेंगबिंग कहता है कि सुनो मैं तुम्हें जो है एक फोल्डर दे रहा हूँ कॉरपोरेशन का वाइन का ठीक है, अब मुझे जो है यहाँ से जाना, तो मेरी सिक्योरिटी को जो है वो चोट लग गई है तो मुझे जो है उसको यहाँ से लेकर जाना है ठीक है मेडिक में। और गुस्से में कहता है कि हटो यहाँ से। तो ये देख के जो है वैलिन उसकी गर्लफ्रेंड जब बिल्कुल घबरा डर जाती है हैं, और ये वैलिन कहता है ये तो ऐसा बोल रहा है जैसे अभी हमें ये मार ही देगा। हाँ और तुम मुझे डराना चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, तुम ऐसे ये कॉपरेशन हमारा इस तरीके से चल जाएगा। तो शेंगबिंग है वो कहता है कि तुम मेरी बात शांति से सुनो, मुझे पता है कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है ठीक है। तो ये सब जो है रुइन देखता है और मन में सोचता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट शेंगबिंग जो है वो मेरे साथ बिल्कुल ही अलग तरीके से हैं बात में भी, और मैं नहीं चाहता कि इस मेरी वजह से मिस्टर प्रेसिडेंट इन सब चीज़ों में आए। तो वो जो है जो रुइन है वो मिस्टर प्रेसिडेंट से माफ़ी मांगता है कि प्लीज़ मिस्टर प्रेसिडेंट मुझे माफ़ कर दो, इसमें सारी मेरी गलती है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझे कोई काम सही से करना नहीं आता। ये सब बोल के जो रुई है वहाँ से भागने लग जाता है और मन में सोचता है, हाँ मन में सोचता है कि मैं मिस्टर प्रेसिडेंट को और परेशानी में नहीं डाल सकता, मैं जो है कल रिज़ाइन दे दूंगा। तो तभी वो भाग रहा होता है तो शेंगबिंग जो उसे पीछे से आवाज़ देता है पर वो सुनता नहीं। और शेंगबिंग जो है अपने मन में सोचता है कि मेरे को लग रहा है कि मैंने कुछ उसके साथ ज़्यादा ही कर दिया, मुझे माफ़ कर दो रुई। तभी जो है वो वैलिन जो है वो कहता है कि छोड़ो ना, और फिर कहता है नहीं मेरा मतलब है कि तुम्हारा सिक्योरिटी कैसा डरपोक है ना, मैंने तो उससे नॉर्मली सिर्फ बात करी थी लेकिन वो इस तरीके से भागा जैसे मैंने उसको बुली किया। तो जो शेंगबिंग जो है उसे तिरछी नजरों से गुस्से से देख रहा होता है। तो वो वैलिन जो है वो सोचता है लग रहा है ये कुछ ज़्यादा ही
गुस्से में आ गया है। तो शैनमिंग कहता है कि अगर तुमने अब कुछ और भी कहा ना तो मैं भूल जाऊंगा और मैं तुम्हारे साथ जितने भी हमारी कंपनीज के साथ कॉपरेशन है वो सब मैं तोड़ दूंगा, सब ख़त्म कर दूंगा। और मैं ये भी भूल जाऊंगी हमारी फैमिली जो भी संबंध है, हमारे फैमिली फ्रेंड सब सब चीज़ें मैं भूल जाऊंगा। बिल्कुल गुस्से में शेर की तरह बोलता है। और जो वैलेंटाइन है बिल्कुल ये सुन के शॉक्ड हो जाता है और सोचता है मैंने क्या कर दिया, हाँ कहीं इसने सच्ची में तो नहीं, और ऐसे बिल्कुल बेहोश होने वाला होता है। तो उसकी जो गर्लफ्रेंड है उससे संभालती है, कहती है आपको क्या हुआ आप ठीक है, तो वो कहता है मेरे को बस पकड़ के रखो। तो उसके बाद जो शाइनिंग है वो वहाँ से जो है जाने लगता है। तो वैलिन जो है वो कहता है कि शैंगमिंग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने जो है पब्लिकली मेरे को मेरी इतनी ज़्यादा इंसल्ट किया है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। फिर हम एक लेडी को देखते हैं, ये भी हमारा मेनी लीड है, इसका नाम है शंग लियांग। ये जो है मेयर संग की डॉटर है, हाँ, और ये जो है हुई शेंग से बात कर रही होती है। वो कहती है अच्छा अब जो पार्टी है वो सेकंड फ्लोर पे चल रहे थे। हुई शेंग कहता है तुम यहाँ पे आके खड़ी क्यों हो, मैंने बोला ना लिन रुई जो है वो यहाँ से चली गई है, हाँ, और मेरे हिसाब से वो जो है तुम्हें भूल भी गई होगी, और वो अभी इस समय जो है शैंगमिंग के साथ इस पार्टी में घूम रही है, मज़े कर रही है। और वैसे भी मैं उन दोनों ट्विंस को सिस्टर ब्रदर को अच्छे से जानता हूँ, और वैसे भी तुम्हारा क्या हुआ तुम्हारे वो बिग ब्रदर का। तो जो शंग लियांग कहती है कि मैं सोचिए उसको लिन रुई की वजह से ही झेल रही हूँ, ठीक है, तो तुम बस जो है अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा मेरी चीज़ों में तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं। तो उसके बाद हम देखते हैं जो रुइन जो है वो एक जगह पे बैठा होता है और वहाँ पे ड्रिंक रखा होता है वाइन ऑयल। तो उसकी सिस्टर कहती है कि रुइन तुम पहले अपने माइंड को शांत रखो, शांति से बैठो तुम यहाँ पे, और तुम इतना परेशान मत हो, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, ठीक है, और तुम जो है ये सारे अपने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो। तो और वैसे भी जो शैंगमिंग है तो रुइन जो है शैंगमिंग का नाम सुन के कहता है कि सिस्टर प्लीज़ अब आप शांत हो जाइए और प्लीज़ आप मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए, यही एक चीज़ है जिससे मैं सारी चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ, वरना मैं हर बार ही आप लोगों को निराश ही करता रहूँगा। रुई की सिस्टर है वो कहती है कि लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो रुई कहता है कि कोई सिस्टर मैं बस थोड़े से पूंगा, ये मेरे लिए डेंजरस नहीं रहेगा, वैसे भी इसका असर जो है वो ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, और अगर मैं इसको पी लूँगा ना तो जितनी भी जितनी भी गलतियाँ हुई हैं वो सारी बार ठीक कर लूँगा। और वैसे भी मैं शैंगमिंग का सेक्रेटरी हूँ, लेकिन मैंने सिक्योरिटी वाले एक भी काम नहीं किया, मैंने सारी चीज़ें गड़बड़ी कर दी। और ये सोच के जो है शैंगमिंग जो है रुइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है, और उसी वक्त जो है वो जो वाइन का गिलास है वो उठाकर पीने लग जाता है और अपने सर को कहता है सिस्टर मुझे माफ़ कर दो। तो जो रुइन की सिस्टर वो कहती है कि रुको रुको रुइन तुम इतना सारा नहीं पी सकते हो, हैं। रुइन जो है उसे तुरंत फटाफट से पी लेता है, एक ही बार में पूरी गिलास ख़त्म कर देता है। तभी जो हम देखते हैं उस रूम में शैंगमिंग आता है और वो भी रुइन को वो वाइन पूरा पीते हुए देख लेता है। ठीक गाइस, हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ आप लोग सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, बाय।